किसानों के संघर्ष की हुई जीत। रविंदर हंस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद पार्टी के नेता रविंदर हंस ने इसे ही किसानों के संघर्ष की जीत बताया। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि जिन्होंने ऐसा फैसला ले किसानों को राहत दी है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून जिहड़े कि उन्होंने किसानों के खिलाफ पास किए सी, अज उन्होंने वापस लिया गया है। इस दे नाल नाल सब तो पहला मैं पहले पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी दे प्रकाश उत्सव की सब देशवासियों को बधाई भी दिना है, और जो करतारपुर साहब का लांघा खुलिया उसकी भी मुबारकबाद दिना हाँ। और इस दे नाल नाल जिहड़े ये 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी ने वापस लैन का फैसला किया है प्रधानमंत्री साहब ने, मैं उन्हों का धन्यवाद भी करता हाँ। पर इस दे नाल नाल मैं किसानों ने जिहड़ा लंबा संघर्ष किया और पूरे देश के दे लोगों ने किसानों नाल संघर्ष रल के संघर्ष किया, जन जन की आवाज़ बनी, उस अंदोलन की बहुत वड्डी जित है। क्योंकि जे ये अंदोलन ना हुंदा तां ए शायद ये काले कानून वापस नहीं हो सकते। लेकिन इस दे नाल नाल खास गल जिहड़ी देखण वाली है, साडे भारतीय संविधान जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने लिखिया है कि जो हक मांगे से ना मिले वो छीनने पड़ते हैं, तुम अंदोलन करो जो ताकि कोई गल सरकार नहीं सुनती। और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के संविधान के मुताबिक साडे किसानों ने जिहड़ा लंबा संघर्ष किया, 700 किसानों दीआं कुरबानियां होईआं, शहादतां दित्तीआं, ये भारतीय संविधान के मुताबिक जिहड़ा अंदोलन होया उहदी बहुत वड्डी जित है। मैं इत्थे अज जिथे प्रधानमंत्री साहब दा चाहे उन्होंने देरी ना लिया होया फैसला, ये उन्होंने फैसला लिया है कानून वापस लैण दा, उन्होंने उन्हों का थैंक्स करता हाँ। उस दे नाल नाल असीं किसान भरावां नाल भी उन्होंने भी वधाई दिंदे आ कि उन्होंने लंबे संघर्ष दे उन्होंने कुरबानियां दी भारतीय संविधान मुताबक जित हुई है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।